गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे संवाद सेतु में समाचार लेखन टॉपिक। हमने समाचार लेखन के बारे में जाना, उसकी शैली को जाना। आज हम आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन समाचार लेखन में वाइट से क्या आशय है? बेटा, वाइट से आशय कथन या लघु कथन साक्षात्कार, यानी किसी का इंटरव्यू लेना, किसी का इंटरव्यू लेना जो है वाइट कहलाता है। आप देखते हो ना कि माइक लेकर जाते हैं पत्रकार और वो किसी से कुछ सवाल पूछते हैं, यही वाइट है। टीवी पर समाचार पुष्ट करने के लिए उससे संबंधित वाइट दिखाई जाती है, जैसे मौसम की सूचना का समाचार दिखाने के लिए या दृश्य दिखाने के लिए मौसम विभाग के अधिकारी या केंद्र निर्देशक का साक्षात्कार लिया जाता है। आज का मौसम कैसा है, अगले 3 दिन मौसम कैसा रहेगा, इससे समाचार प्रामाणिक बन जाता है। और ये कार्य एंकर वाइट के रूप में करता है। ये जो है टेलीविजन समाचार लेखन में वाइट का आशय यही है कि वाइट से आशय की कथन या लघु कथन साक्षात्कार, छोटा इंटरव्यू। टीवी पर समाचार पुष्ट करने के लिए उससे संबंधित वाइट दिखाई जाती है, यानी एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता है। मान लो आप मौसम का समाचार दिखा रहे हो तो उससे संबंधित जो अधिकारी होता है, जो निर्देशक होता है, उससे कुछ सवाल किए जाते हैं जिससे वो और प्रमाणिक हो जाता है। अगला, फिल्म पटकथा लेखन के स्वरूप पर टिप्पणी कीजिए। टीवी धारावाहिक, फिल्म और थिएटर में पटकथा का विशेष महत्व है। इसमें पहले कहानी लिखी जाती है, शूटिंग के अनुसार फिर संवाद लिखे जाते हैं। पटकथा का स्क्रीन प्ले का ढांचा तैयार किया जाता है। फिल्म पटकथा लेखन के लिए अच्छा लेखन होना चाहिए। इसमें भाषा तथा डायलॉग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्क्रिप्ट या पटकथा जितनी अच्छी होगी उतनी ही श्रेष्ठ होगी। जितनी अच्छी कहानी होगी, जितनी पटकथा अच्छी होगी, उतना ही श्रेष्ठ अच्छा होगा। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इसके दो रूप होते हैं। पहला, इसमें रिपोर्टर सब खबरों का संप्रेषण ईमेल द्वारा करता है, खबरों को आगे भेजता है ईमेल के द्वारा। पत्रकार द्वारा लिखे गए आलेख ब्लॉग पोर्टल या साइट पर प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार इंटरनेट किसी भी समाचार, फीचर, सूचना, लेख, चर्चा, झलकी आदि के आदान प्रदान में उपयोगी होता है। इंटरनेट पर न्यूज वेबसाइट के लिए कहानी, कॉपी एडिटर, ट्रांसलेटर, टेक्निकल राइटर आदि क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। नव माध्यमों के लिए कौन लिख सकता है? नव माध्यमों को जैसे वैसे ही पता लग रहा है, नव माध्यम। इसमें इंटरनेट आते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता ईमेल वेबसाइट पर विविध प्रकार या लेखन, ब्लॉग लेखन आदि का प्रचलन बढ़ रहा है। इस नए माध्यमों के लिए कंप्यूटर आदि के तकनीकी ज्ञान की जरूरत होती है। जो व्यक्ति ऐसा तकनीकी ज्ञान रखता है वह नए माध्यमों के लिए लिख सकता है। इसके लिए कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा की आवश्यकता होती है। ये शिक्षा स्वयं के अभ्यास से भी मिल सकती है। इस प्रकार निर्मित शिक्षा संस्थानों से प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार नव माध्यमों के लिए कुछ औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है तथा इसके लिए कुशलता से लेखन संपादन कार्य हो सकता है। ये था बेटा नव माध्यमों के लिए कौन लिख सकता है। ये था आपका संवाद लेखन का समाचार लेखन टॉपिक। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना, ये 2 नंबर का आएगा। ये सारे क्वेश्चनों को आपको सही ढंग से याद करने हैं। धन्यवाद।